हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग्स। तो अब सुबह के बज रहे हैं 5:30। आप बोलोगे 5:30 बज रहे हैं, और हाँ, सुबह 5:30 बजे का जो मैं उठी हूँ, तो मैंने पहले सोचा कि आज ना मेरा थोड़ा सा मूड भी थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। एक्चुअली कैसा है, 24 दिसंबर है आज। हाँ, और जब मम्मी थी तब आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता था। सुबह से ही हम तैयारी में लग जाते थे कि क्रिसमस है, शाम को मास में जाना है, चर्च जाना है, मास अटेंड करना है, तो मस्त तैयार होना है, एकदम मस्त कपड़े पहनने हैं, नए कपड़े लेना है, लेके पहनते थे हम लोग। तो वो जो था ना, थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि पुल आउट करता है हम लोग को कहीं ना कहीं। तो वही, आई वॉज मिसिंग माई मॉम। लाइक ठीक है अभी, एक्चुअली हमेशा ऐसा ही, हम लोग ने दोनों ही रिलीजन को फॉलो किया है, हिंदू कैथलिक दोनों ही करते थे जब मम्मी थी। मम्मी जाने के बाद फिर सम अराउंड काफ़ी लोगों ने समझाया कि स्टिक टू वन ओनली, वेर एवर योर ग्रेविटेशन गोज टू, या फिर आप बोलोगे तो जहाँ पे भी आपका ज़्यादा मन लग रहा है वो करो फॉलो। तो उसके चलते फिर मम्मी चली गई थी, तो फिर मेरा चर्च जाने का बहुत कम हो गया था और जिम्मेदारी बढ़ गई, तो घर संभालो, काम पे जाओ, उसी में लग गई। और फिर बाद में मतलब थोड़ा सा दूर होते गई, और वैसे भी मेरा गणपति बप्पा के पास ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा था, तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद दिस ओनली। क्योंकि जब मम्मी थी तब भी मैं लेंट भी करती थी, साथ ही साथ में मैं अपना श्रावण का भी उपवास करती थी, दोनों ही करती थी। मतलब मैं ऐसा नहीं था मेरा कि ये एक ही करना है वो करना है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि सारे भगवान तो एक ही है, ठीक है। और मुझे मम्मी के लिए ऐसा लगता था कि मम्मी के लिए मैं लेंट कर लूँ, ठीक है। और हिंदू के इसमें मेरी झुकाव पहले से रही है, बचपन से ही। जब वो आता था ना अपना महाभारत, ठीक है, तो वो जो प्रीस्ट मुझे जिन्होंने कैथलिकिज्म सिखाया है, वो ऐसे प्रीस्ट थे ना, आई बिलीव सो, वो संत हो गए जिन्होंने मुझे ऐसा भेदभाव करने नहीं सिखाया था। वो उन्होंने हमें ना महाभारत का जो एपिसोड है वो पूरा रिकॉर्ड करते थे, हमारा जो चर्च में हमारी क्लासेस होती थी उसका रिकॉर्ड करते थे, और मास ख़त्म हुआ, हमारी क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद हमें 1 घंटा बिठाते थे और महाभारत का पूरा एपिसोड दिखाते थे, हाँ, और फिर हम घर पे आते थे। तो सम अराउंड ना वो एक इम्पैक्ट था, और प्लस डैडी तो हिंदू थे ही, मेरी मम्मी भी हिंदू का फेस्टिवल्स करती थी, जो भी उनको समझ में आता था वो उतना करती थी, और कैथलिक का भी करती थी, तो वी वेर बचपन से ही हम तीनों भाई बहन सभी करते थे। लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही झुकाव था कि मम्मी मुझे, क्योंकि बड़ी है तो मम्मी मुझे ही ज़्यादा पुश करती थी कि सुबह उठो, चर्च जाओ, संडे टू संडे मास अटेंड करो, तो मम्मी के चलते मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। तो उस हिसाब से ना, तो मुझे थोड़ा सा लो पुल आउट हो रहा था पूरे दिन की। सुबह मेरे को कुछ ऐसा एनर्जी लग नहीं रहा था, चलो नींद तो मेरी खुल गई, मैं उठ गई, बच्चे उठा लेते तो उठ गई मैं, लेकिन ना दिमाग में कुछ ऐसा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मम्मी मेरे सपने में आई हो वगैरह। तो वो अभी भले ही, देखो कैसे होता है ना, मम्मी मम्मी है ना, माँ आपकी बहुत साल पहले गुजर गई हो या हाल फिलहाल में गुजरी हो, आपके लिए तो वो लॉस ही होता है, भले नज़दीक मतलब टाइम कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, हमें वही लगता है ना कि अभी अभी सब कुछ हुआ है। तो वो चीज़ें थी कि मेरे को है ना कुछ मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट्स बनाए, ऐसे नहीं कि नहीं बनाए, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना, अभी एक काम की तरह ही मैंने ले लिया है इसको। तो मुझे व्लॉगिंग के लिए ना मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने रोज के जो काम कर रहे थे वो भी कुछ खास उस एनर्जी से नहीं कर रही थी मैं। इट वॉज़ लाइक स्लो मूविंग डाउन वाला सिचुएशन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जैसे तैसे मैंने वो सब काम किया है, और लेकिन फिर भी मैंने कोई तैयारी नहीं की कि कल क्रिसमस है, मुझे कुछ करना है। मैंने कोई नए कपड़े नहीं लिए, पहले मैं लेती थी,
मम्मी नहीं भी रही तब भी मैं नए कपड़े क्रिसमस के लिए लिया करती थी। मुझे ऐसा था कि मम्मी मम्मी को अच्छा लगता था ना, तो आई शुड सेलिब्रेट। ऐसे भी हम लोगों को हर सारे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए, राइट। पहले तो ऐसा था कि मैं ईद भी सेलिब्रेट किया, मतलब ईद में भी नए कपड़े पहन लिया करती थी जब जॉब पे हुआ करती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, मेरी फ्रेंड शहनाज है, परवीन है, हाँ, और नाहिद है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो सारे मेरे लिए सारे गॉड एक जैसे हैं, तो मुझे सारे फेस्टिवल्स पे कपड़े पहनने चाहिए नए नए। बस वैसे ही मैं वो दिन निकल गया मेरा, तो अब तो हो गया मेरा सारा काम, तो मैं अब आपसे यहीं विदा लूँगी और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।